हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द ऑटो एक्सपो 2023। तो हमारे सामने है टाटा की एक और न्यू गाड़ी जो कि है टाटा टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी। तो भाई इसी का आज रिव्यू करेंगे कंप्लीट, देखते हैं किस तरीके का इसको टाटा ने यहाँ पर लॉन्च किया है ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर। तो भाई ये है इसका ओवरऑल फ्रेंड्स का लुक। तो लाइट थोड़ी सी कम है भाई, तो उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स लुक देख लो, पूरा ईवी वाला लुक दिया गया है। कलर है वो बहुत ही प्यारा कलर दिया गया है गाड़ी के अंदर, ईवी की बैजिंग मिल जाती है। बात कर रहे थे फ्रंट में, तो फ्रंट जो ग्रिल है ऊपर ही यहाँ पे आपको दिया गया है टाटा का लोगो। लोगो में आपको यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है, ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर ये ग्रिल मिल जाती है। बात कर लेते हैं गाड़ी के नीचे बम्पर पे, तो बम्पर भी आपको बॉडी पैंट के अंदर दिया गया है जो कि एक ग्लॉसी फिनिश के अंदर आता है। भाई नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं, विद DRL मिल जाती है। भाई यहाँ DRL दी गई है आपको, तो DRL मिल जाते हैं। ऊपर आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जा रहे हैं भाई। तो ये है टाटा का फ्रंट से ओवरऑल ईवी का लुक। बात कर लेते गाड़ी के ऊपर बोनट की, तो बोनट भी देख लो ऊपर कर्व्स के साथ दिया गया है। जो हेडलाइट्स है वो भाई इतनी ह्यूज साइज और इतनी हैवी लगती है ना कि लगता है हाँ भाई अच्छा काम किया गया है, टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। और यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं LED DRL के साथ में। और भाई फ्रंट से इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक मिलता है। बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाती है। तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 14 इंचेस के इसके अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ आपको जो व्हील्स हैं वो आते हैं पूरे के पूरे ड्रम व्हील्स के साथ आती है गाड़ी। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल से बात करें गाड़ी का, तो भाई यहाँ पे आपको जो ORVM है वो मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में। प्लस में यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है, फेंडर पे ईवी की बैजिंग मिल जा रही है आपको। बात कर लेते हैं गाड़ी के ग्लास की, तो साइड से ग्लास जो है काफ़ी ह्यूज साइज ग्लास मिलता है, एरी एरी फील होने वाला है आपको, काफ़ी अच्छे लुक प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी का। साथ ही साथ बात कर लेते हैं गाड़ी के डोर हैंडल, डोर हैंडल आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ मिल जाते हैं, वो भी बॉडी पैंट में मिल जाते हैं आपको। नीचे की तरफ आपको कोई भी अपना अलग से क्लाइडिंग वगैरह नहीं दी गई है, सेम बॉडी पैंट आपको प्रोवाइड होता है। अपोलो के टायर मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। जो गाड़ी की रूफ़ है वो मिल जाती है आपको ड्यूल टोन ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाती है रूफ। साथ ही साथ बात कर लेते हैं गाड़ी के बैक साइड में, तो बैक साइड में आपको स्पॉइलर मिल जाता है, स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है, ड्यूल टोन कलर का हल्का हल्का इसको ड्यूल टोन प्रोवाइड किया गया, हल्का सा यहाँ पे स्पॉइलर ब्लैक में दिया गया है। ऊपर जो स्पॉइलर है वो अपना स्पार्कल में आता है अपना आसमानी कलर के साथ में। साथ ही साथ पीछे का जो ग्लास है वो भी ह्यूज साइज ग्लास दिया गया है, डिफोकस मिल जाते हैं स्पॉइलर में ही आपको, स्टॉप लाइट मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रेन वाइपर्स मिल जाते हैं, पीछे की तरफ टाटा का लोगो और टियागो ईवी की बैजिंग। बात कर लेते गाड़ी के बैक लाइट की, तो बैक लाइट भाई पूरी की पूरी है यहाँ पे जो है थोड़ा सा LED दिया गया और पीछे की तरफ हाइलोजन बल्ब के साथ ही आती है। तो यहाँ पे टाटा ने थोड़ा कॉस्ट कटिंग करी है, यहाँ पे इसको LED देना चाहिए था क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ज़्यादा एनर्जी ना खर्च हो उसके लिए LED देनी चाहिए थी, LED नहीं दी है। यहाँ पे अपना पूरा जो है बल्ब जो है हाइलोजन बल्ब दिया गया है। पीछे की तरफ नीचे की तरफ आपको जो बम्पर है, जो बम्पर है वो ड्यूल टोन कलर में मिल जाता है मैट फिनिश के साथ में ब्लैक। साथ ही साथ यहाँ पे अपना बॉडी पैंट में मिल जाता है स्पार्कल, और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे पार्किंग रिवर्स कैमरा मिल जाता है, और जो इसका गाड़ी का बैक जो डोर है उस पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और नीचे की तरफ आपको देखोगे तो कोई पार्किंग सेंसर अपने को नहीं मिल रहा है। तो ये इसका ओवरऑल लुक। बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर, तो इंटीरियर में यार देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की गई है ना, तो इनको अनलॉक नहीं किया गया, सारी गाड़ियाँ लॉक है। रूफ पे आपको मिल जाता है एक एंटीना, सार्फिन एंटीना देना चाहिए था, इलेक्ट्रिक व्हीकल है इतना प्रीमियम बना रहे हो तो यार सार्फिन एंटीना दे देते, ये नॉर्मल एंटीना दे दिया है, ये थोड़ा सा अपने को कुछ सही नहीं लगा। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, तो इंटीरियर भी ड्यूल टोन कलर के साथ दिया गया, आसमानी कलर और ग्लॉसी ब्लैक के साथ दिया गया है। अंदर आपको देख रहे होंगे तो आपको जो यहाँ पे हार्ड टॉप का जो ब्लैक मटेरियल है, ब्लैक प्लास्टिक वो उसका यूज किया गया है। डोर पे बात कर लेते हैं, डोर पे भी आपको जो डोर हैंडल है वो क्रोम फिनिश में मिल रहा है, सामने आप देख रहे होंगे। और नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आपको टैक्सन कंट्रोल्स वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं। और ये भाई ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ऑटोमेटिक में आपको रिवर्स न्यूट्रल और ड्राइव के मोड्स यहीं पे मिल जाते हैं आपको, कोई भी आपको यहाँ पे गियर लीवर प्रोवाइड नहीं होता, और यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है। बात कर लेते हैं गाड़ी के, जो गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील का काफ़ी अच्छे कंट्रोल दिए गए हैं भाई। तो यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अपोस्ट्रोफी जो है वो पूरी की पूरी आपको मिल जाती है, लेदरेट फिनिश में मिल रही है, लेदरेट फिनिश के अंदर है, और उसमें जो पूरा का कलर है ना वो पूरा का पूरा अपना
एक क्रीम कलर दिया गया जो गाड़ी को काफी एरी एरी फील कराएगा। अंदर से आपको ना ब्लैक का कुछ थीम नहीं है, इंटीरियर आपको व्हाइट कलर में देने की कोशिश की गई है टाटा की तरफ से, जो कि काफी अच्छा लगता है यार। मतलब कि यह है कि एरी एरी फील होता है। और बात कर लेते हैं बैक साइड में, तो बैक साइड में भी आपको सेम वही मिल जाता है, तीन आदमी आराम से बैठ के सफर कर सकते हैं। पीछे की तरफ कोई भी आपको एसी विंड्स नहीं मिलते हैं। तो ये इसका ओवरऑल लुक। तो भाई ये था इसका इलेक्ट्रिक टियागो का ओवरऑल लुक, ओवरऑल रिव्यू। कैसा लगा ये आपको ऑटो एक्सपो 2023 का जो इलेक्ट्रिक टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कैसी लगी आपको ये गाड़ी? तो अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाटा की गाड़ी के अंदर।